हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक वेक्टर आर्ट बनाने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक महीना दो महीना सीखना नहीं पड़ेगा वेक्टर आर्ट। आप सिर्फ ये वीडियो देखोगे और उसके बाद जब वेक्टर आर्ट बनाओगे तो आपको आपसे इतना अच्छा वेक्टर आर्ट बन जाएगा कि आप उससे पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वेक्टर आर्ट मैंने उसी ट्रिक को यूज़ करके बनाया है और आप भी इस तरह का बना सकते हो। तो यार, जो ट्रिक है वो हो सकता हो कि और लोगों को भी पता हो, मेरे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको भी पता है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि इस ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं, प्रॉपर यूज़ क्या होता है इसका, कि कैसे वेक्टर आर्ट बनाएं। तभी उन लोगों के वेक्टर बहुत बेकार बनते हैं और आप मेरा वेक्टर तो सामने देख ही सकते हो। तो अगर आपको मैं एप्लीकेशन बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, तो ये नहीं कि आप वीडियो स्किप कर दो। मैं 100% श्योर हूँ कि आप उतनी नीटनेस के साथ नहीं बना पाओगे जितना मैंने बनाया है, क्योंकि उसका भी एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर, कि उसमें कलर पैलेट चूज़ करना पड़ता है, ये सब ना। तो ये सब मैं प्रॉपर बताऊँगा और डेफिनेटली ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप वेक्टर आर्ट बना लोगे कि आप पैसे अर्न कर सको। तो यार, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉस भी हैं, तो पहले वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कर बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपको सिर्फ पैसे अर्न करने हैं वेक्टर आर्ट से थोड़े बहुत, और आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है कि आप प्रोफेशनल वेक्टर आर्ट नहीं सीख पा रहे या कुछ ऐसा है, आप टाइम नहीं देना चाह रहे, तो आप इसका यूज़ करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको क्लोथ कलरिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर आप कोई प्रोफेशनल वेक्टर आर्ट सीख रहे हो और क्लोथ कलरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लोथ कलरिंग आप इसकी एक्सरसाइज करके बहुत ही अच्छे से क्लोथ कलरिंग कर सकते हो। और लॉस ये है कि यार, आप कभी भी प्रोफेशनल वेक्टर आर्ट की तरफ नहीं जा पाओगे, इसी में रह जाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले नहीं बता रहा था ताकि आपकी आदत ना पड़े, वरना आप इसी में रह जाओगे और आगे नहीं सीखोगे कि वेक्टर आर्ट प्रोफेशनली कैसे होता है, तो एक सही चीज़ नहीं है आपके लिए। तो अब टाइम आ गया है कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पूरी देखना अगर आप स्किप कर दे रहे हो और एप्लीकेशन का नाम जानने के बाद, तब भी आप वेक्टर आर्ट नहीं बना पाओगे इतनी नीटनेस के साथ जितनी नीटनेस के साथ मैंने बनाया, क्योंकि मैंने इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पिक्से प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। फिर आपको गेट पिक्चर पे जाना है, फ़ोटोज़ पे जाना है, उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी फ़ोटो आपको बनानी है। तो पहले मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने एक क्लोज़अप पिक किया ताकि जल्दी से बन जाए, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम फेस कलरिंग में होती है। उसके बाद आपको एफ़ेक्ट्स में जाना है, एफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कहाँ पे है, वेट, आपको आर्टिस्टिक में पोस्टराइज दिखेगा, तो आप पोस्टराइज कर लोगे। तो ये ट्रिक बहुत ही लोगों को पता होगी कि पोस्टराइज करने के बाद इसमें कलर भर देंगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आपका वेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि एप्लीकेशन का यूज़ करके मैं बना लूँगा, मुझसे हो जाएगा, वाओ कितनी सिंपल ट्रिक है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको करने के बाद भी नहीं बना पाओगे अच्छे से। हो सकता है कि वेक्टर बन जाए पर इतना नहीं बन पाएगा कि आप उससे पैसे अर्न कर सको। तो पहले देखो करना क्या है, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप वन हमारा ये है कि पोस्टराइज आपको करने के बाद आप ये देख सकते हो कि इसमें जो उसका अंदर की कलरिंग है, जो लेयर है या फिर जो कलर पैलेट आपका बनेगा, वो अलग अलग कलर में आ रहा है। तो आपको ऐसे पे सेट करना है, जैसे कोई भी ना आप सेट कर लो कि आपको जैसे ये कर लिए, इसमें देखो एक ही शेड है, इसमें दो शेड आ गया, तो ऐसा नहीं करना है कि जो सबसे सिंपल वाला है वो शेड आप चूज़ कर लो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि ऐसा करना है आपको कि इसमें पाँच कलर शो हो, कि आप पाँच कलर पैलेट बना सको। जैसे कि अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एक हो गया जहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, एक दो तीन चार, इसमें चार हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, देख सकते हो आप, अगर मैं फोरहेड पे बात करूँ तो एक दो तीन चार पाँच, जहाँ जहाँ मैंने टैप किया पांच कलर पैलेट आपके बन जाएंगे इससे। तो बस इसको आपको क्या करना है, टिक कर लेना है और एक्सपोर्ट में जाके इसको आपको कर लेना है सेव। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया। आप तो यार, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अपना इन्फिनाइट डिज़ाइन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ये मेरा अपडेटेड वर्जन है, आपको जो भी इशू आ रहा है वो मैं क्लियर करूँगा जल्दी, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे सॉल्व करने की। तो इमेज पे जाने के बाद हम लोग अपनी फ़ोटो इंपोर्ट कर लेंगे, ये फ़ोटो इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद अब क्या करना है, जो हम लोग का सेकेंड स्टेप था इम्पोर्ट करना था, ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, इस पर हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लेयर ऐड करनी है, जो लेयर ऑप्शन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर नहीं पता तो आप देख सकते हो, वरना इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। ये हम लोग ने ढेर सारी लेयर ऐड कर ली, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर जो हमें सबसे पहले करना है वो है लाइन आर्ट। तो पहले आप लाइन आर्ट कर लो। लाइन आर्ट क्या होता है, जो लोग नहीं जानते, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो लाइन आर्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी ब्रश लेना है जो आप कंफर्टेबल हो, और ये जो आपको ब्लैक करना है पूरा एरिया, वो एरिया आप पूरा ब्लैक कर लो, जैसे आई हो गया और हेयर हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, तो पहले वो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, तो आप पहले वो देखो।
तो यार आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि हम लोग का कलर मैच ना हो जाए दोनों का। तो इसको हम लोग एक लेयर नीचे जाके करेंगे ताकि ओवरलैप ना हो और वो नीचे से आराम से निकल जाए, ताकि लगे कि हाँ दो अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग लिप्स करेंगे तो लिप्स में ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी कलर पैलेट नहीं यूज़ करना है। जैसे आपको बनाना आता है तो आप अपने कलर पैलेट से बना दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको नहीं आना है, आपको प्योर ये वाला वेक्टर ट्रिक वाला वेक्टर बनाना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ डार्क है जहाँ जहाँ लाइट है वही कलर सेलेक्ट करके उसमें भरना है कलर। तो अभी मैं इसमें बताऊँगा आपको क्लियरली कि कैसे क्या करना है, आप देख लेना, आप समझ जाओगे एकदम अच्छे से। और आई के ऊपर ये जो लाइनिंग है तो वो लाइनिंग भी हमें करना है, वो भी मैं भी आपको आगे बता दे रहा हूँ। और इसमें क्या किया है मैंने आई पे ग्रे कलर किया हुआ है, अभी आगे ग्रे कलर करूँगा तो फिर वही आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आई पे मैंने ग्रे किया हुआ है। और आप ब्राउन भी कर सकते हो, जिस तरह ग्रे मैंने कलर किया उसी तरह ब्राउन भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे अपने कम्फर्ट के हिसाब से वो कर लेना। और बहुत ही केयरफुली करना और पूरा बनाना, एक बार बस ट्राई कर लो, एक बार अच्छा बना दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप इसे बनाते रहोगे हमेशा। तो यार लिप्स कलरिंग में एक ध्यान देना है, पहले हम लोग को सेंटर पे जो एक डार्क लाइन रहती है वो ड्रॉ करना है, कभी भी आप लिप्स का करोगे। फिर उसके एक लेयर नीचे जाके जहाँ जो होगा डार्क लाइट वो आपको करना है, वही सेलेक्ट करके देखना। मैंने कोई इसमें नया कलर पैलेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट जहाँ पे डार्क है वहाँ डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट है वहाँ से कलर सेलेक्ट करके लाइट कर रहा हूँ। तो यही आपको भी करना है। देखो पहला वेक्टर आप बना रहे हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि आपसे थोड़ा सही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ब्रश चलाना उतने अच्छे से नहीं आता जितने अच्छे से मेरे को आता है। पर बाद में आपका जब हाथ सेट हो जाएगा आप बहुत ही परफेक्ट वेक्टर इससे बना लोगे। इसीलिए जैसे कि आपने थंबनेल में देखा मैंने लिखा है 100% गारंटी कि आप बना लोगे, तो वो पहली चीज़ उनके लिए है कि आपको अर्निंग करना है। तो 100% अगर आप इस तरह का वेक्टर बनाओगे तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग पे जो वेक्टर की अर्निंग की थी, 2-3 अर्निंग मेरी इसी से हुई थी। तो यार हमारा बेसिक लाइन आर्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हेयर और बियर्ड को फिनिशिंग हम लोग आखिरी में देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप है। जो मेन है फेस कलरिंग उस पर आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मेन जो ट्रिक है वो यूज़ हो रही है। तो जो सबसे पहला काम है हम लोग को क्या करना है, कलर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे कलर ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आता है कि मतलब जो भी कलर आपको चूज़ करना है फोटो में से वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और जो सबसे डार्क कलर है ये लेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 5 कलर देखने को मिल जाएंगे, 5 या 6 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो ये होगा छोटा सा, तो इसको ना भी काउंट करें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 6 कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले कलर पैलेट बनाना है, एकदम सिस्टमेटिक वे से चलना है, कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना, क्योंकि हमको ऐसा वेक्टर बनाना है जिससे हम लोग पैसे अर्न कर सके, ताकि लोग हमें पैसा दें। तो ये पहला एक ये हो गया, सबसे डार्क वाले कलर पे हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल कर दी। अब हम लोग ये कलर पैलेट बना रहे हैं, उसके बाद उससे थोड़ा लाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद थर्ड वाले पे जाएंगे कलर पे और ये बना दिया, फोर्थ वाला थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फोर्थ वाले में भी थोड़ा अलग अलग शेड लग रहा है, तो फोर्थ वाला हम लोग ले लिया। अब लास्ट फिफ्थ ले लेंगे, सिक्स्थ तो हम लोग अपने से कर लेंगे क्योंकि वो एकदम वाइट ही है, तो ये फिफ्थ भी कलर हो गया हमारा। चलो सिक्स्थ भी ले ही लेते हैं, क्यों उसको छोड़ें जब इतना कर लिए हैं तो सॉरी। तो ये देखो आप 6 कलर पैलेट हमारे बन गए। अब ये भी देखने के बाद इसके मत कर देना, क्योंकि अभी इसमें और भी ट्रिक्स हैं जो मुझे आपको बतानी है। अब क्या करना है हमको, ये जो आप लेयर के ऑप्शन पे जब जाओगे तो देखो 3 लेयर बनी हुई है, इसको हम लोग को मर्ज कर लेना है, तीनों को एक ही में कर लेना है। और उसके बाद हम लोग के 6 कलर हैं तो हम लोग को 6 लेयर ऐड कर लेनी है टॉप लेयर के नीचे, तो 3 ये है और 3 और कर लेंगे तो हमारी 6 हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो
सेकेंड नंबर पे लेयर है, उस पर हम लोग को जाना है और सबसे डार्क वाला कलर चूज़ करना है। तो जैसे कि मैं चूज़ कर ले रहा हूँ डार्क वाला कलर, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ हम लोग को कर लेना है। आप ये देख सकते हो जैसे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ से वो कलर पैलेट आप उठाए हो वहाँ वहाँ पे ये कर लो आप। आप देख सकते हो अगर आपसे ये नहीं चल रहा, ये जैसे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, देख लो लासो है, लासो ही रहेगा ब्रश, और जो टूल है लेज़ी है, और एक पेन टूल होता है। पेन टूल कैसे यूज़ होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पुरानी वीडियो ना देखनी पड़े। जैसे ये डार्क हो गया, और हमें कहाँ डार्क करना है, यहाँ पे देखो डार्क है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इसको टाइम देना है, पहली बार टाइम दोगे अच्छा बना लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो देख सकते हो कि पेन टूल कैसे यूज़ होता है। पेन टूल में आपको डॉट डॉट करके पूरा बनाना रहता है। ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे हल्का सा हमसे गलती हो गई है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत देख के चलनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद कहाँ पे, जैसे कि ये देखो नोज़ के आसपास आपको दिख ही रहा है, मैं कुछ अपने से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ वही है स्टेप, ये हो गया। तो अब मैं पेन टूल से नहीं करने वाला, मैं लेज़ी से ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पेन टूल से आदत नहीं है उतनी। तो अभी एक चीज़ और है जो आपको अभी काम आएगी, पहले जहाँ जहाँ डार्क एरिया हमको दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं। जैसे कि मुझे इतना पूरा डार्क दिख रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। अब क्या करना है कि जो आई है, आई में देख लो कि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो अब क्या करें कि हमारे पास तो ये पाँच छः कलर हैं और जो इतने डार्क नहीं हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आई के लिए देख लो, आई के लिए हमको सबसे टॉप वाली लेयर पे जाना है और एक ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके ऊपर आई के ऊपर देखो पतली सी लाइन है, इसको आपको पूरा ब्लैक कर लेना है। तो ये हमने कर लिया ब्लैक। अब इसके बाद क्या करना है कि सबसे डार्क कलर पे फिर जाना है हमको, और उसके नीचे वाली लेयर पे जाना है जिस लेयर पे हम लोग काम कर रहे थे, और क्या करना है आई के जो चारों तरफ है उस पर डार्क कलर कर दो। बस जो बोल रहा हूँ करते जाओ, और ये मत सोचना कि ये इस फोटो के लिए, वो हर फोटो के लिए है, जो भी फोटो आप बनाओगे वो उस फोटो के लिए है। तो लोग क्या ही गलती करते हैं कि जहाँ जो कलर होता है वही फिलअप कर देते हैं, और इतना बेकार लगने लगता है वेक्टर की कुछ समझ ही नहीं आता कि आप क्या बनाए हो। तो ये देख सकते हो अभी जो आई है, हेयर है, ये सब मैं अभी आपको आखिरी में बताऊंगा। तो ये हमारा एक लेयर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ भी डार्क ही दिख रहा है हमको, और सॉरी कलर ये था, ये देख सकते हो ये पूरा एरिया ही डार्क है, ये भी पूरा डार्क है। तो पूरा कर लो जितना आपको डार्क दिख रहा है, ये हो गया, ये भी देखो यहाँ भी डार्क है। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये मत सोचना कि मुझे कहाँ से दिख रहा है, बना हुआ है आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया है, तो ये सब दिख रहा है, बस आपको जूम करके अच्छे से फोकस करना है। तो जो पहली हम लोग की सबसे कलर था, कलर पैलेट का जो हमारा पहला कलर था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पे आते हैं और लेयर हम लोग उसके नीचे वाली सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये देख सकते हो आप जहाँ पे है वैसे कर दो। अब बहुत ही सिंपल स्टेप हैं इसके सारे, जो है मतलब क्या होता था वैसे फेस कलरिंग में कि आप लोगों को समझ नहीं आता था कि कहाँ पे क्या करना है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है कि फेस कलरिंग कहाँ करना है। तो इससे बहुत इजी हो जाती है फेस कलरिंग, और कोई भी इसको कर सकता है, देख सकते हो आप। और हमें ये दिख रहा है, आपको कुछ भी अपने से नहीं करना। अगर आप वेक्टर सीख रहे हो और आप सोचते हो कि नहीं भाई यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ डार्क दिख रहा है बस वहीं पे वो करो। और इससे जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, कि क्लोथ कलरिंग आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, वो अभी आपको नहीं समझ आएगी कैसे सीखोगे कैसे नहीं सीखोगे, बस सीख जाओगे, इतना ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर। तो ये भी हमारा कलर पैलेट का हो चुका है, आपको यहाँ हल्का डार्क दिख रहा है क्योंकि ये कलर पैलेट हमारे उसमें नहीं है, तो हमको जो ज़्यादा डार्क है उसको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। देख सकते हो आप ये सब डार्क, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके एक लाइट, तो मतलब ऐसे ही जो जहाँ पे कलर है वो करना है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख के सेट करना है। और जैसे हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ये बना रहे हैं तो ये करने लगते हैं, इसमें ये ऐसे करने हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक सीधे लाइन पे मतलब एकदम स्मूथनेस के साथ ड्रॉ करनी है। ये आप कंप्लीट लाइन बनाओ ऐसे, आपको कोई ज़रूरत नहीं उसके अकॉर्डिंग चलने की। ये हुआ, और इसके बाद हमको कहाँ दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, पहले ये ऊपर का कंप्लीट कर लें तो उससे आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कलर पैलेट नहीं बनाते हैं। ये हो गया, अब जैसे आप देख सकते हो जैसे मैंने ये थर्ड लेयर ड्रॉ की, तो अब मुझे पता चल रहा है कि इससे डार्क तो ये एरिया है, तो अब इस एरिया के लिए हमको वही कलर चूज़ करके उसके लेयर पर जाके हमको वो कर देना है। ये देख सकते हो, तो ऐसे आपको
पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दिखेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं सब। जैसे हमने ये कर लिया, ये देखो हो गया। अब इसके बाद फिर वापस से वही लेयर लेके उसे कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो लगे अपने मन से, कुछ नहीं करना है कि कुछ भी अपने मन से कर दिया, अरे इतना कर दिया तो चलेगा, ये कर चलेगा, वो चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। एकदम सावधानी से, एकदम अच्छे से करना है आपका, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये देख सकते हो आप। इसके बाद ये डार्क है, आई पे आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। आई पे आपको डार्क नहीं करना, जो कलर मैं बता रहा हूँ, मतलब कि भले उसमें डार्क हो, चाहे जितना डार्क हो, चाहे जो भी चीज़ हो, पर आपको वही चीज़, वही कलर यूज़ करना है जो कलर पैलेट पे यूज़ हुआ हो। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया हमारा नोज़, हम लोग कर लेते हैं। नोज़ छूट रही है हम लोग की बार बार, हो चुकी है आई थिंक, नोज़ भी हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, थर्ड कलर हम लोग को लेना है। थर्ड कलर हम लोग कर रहे हैं ये, देख सकते हैं आप। ये पूरा हम लोग को अब ऐसे कवर करना होगा, क्योंकि दिख रहा है आपको मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा इसमें। अब और हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये चीज़ हम लोग का इसमें कवर हो जा रहा है। यहाँ पे है हल्का सा डार्क एरिया, और इसके बाद ये चीज़, सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर। आपको खुद से कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस ये गलती मत कर देना कभी आप कि जो इसमें इस तरह नहीं बना हुआ, ये सब आपको नहीं करना है। ये सब करोगे तो बहुत ही बेकार लगेगा, और बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही धीरे धीरे टाइम देके करना है। पहली बार में मैंने कहा ना कि सिंपल है, बट टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ भी डार्क है, तो ये हम लोग यहाँ पर कर दिए। तो एक एक चीज़ देख के बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलना है आपको। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमको ये लेयर सेलेक्ट करनी है उससे कम वाली, तो हम लोग लेयर से नहीं या कलर पैलेट से करेंगे सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करके इसके बाद फिर से भी करना। एक चीज़ याद रखना, इसको देखने के बाद जब आप वेक्टर बनाने जाओगे, तो प्लीज़ जो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की है उसका वेक्टर बनाना, क्योंकि अगर आप अपने से बना रहे हो और कोई नहीं बनता, आपका कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो फ़ोटो है तनवीर सिंह की, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो, नेट पे अवेलेबल है। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, वहीं से मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। बट यही बनाना जो पिक मैं आपको दिया हूँ, क्योंकि आप कोई भी पिक बनाओगे अगर नहीं बनती इन केस, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ अपनी चीज़ों के लेके। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ जा रहा है बस। ये हो गया, एंड नोज़ में बस हम लोग का नोज़ भी हो चुका है, नोज़ भी कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इससे लाइट कलर लेना है। बस ये आखिरी लेयर ही है एक तरीके से, जो एकदम लाइट लेयर थी वो तो हम लोग देखे थे कि कुछ है नहीं उसमें। तो अब क्या करना है, आपको पूरा फिलअप कर लेना है, ऐसे पूरा फेस कवर कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फेस कितना ज़्यादा सही लगेगा आपको। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा कि यार क्या बना है क्या नहीं बना है, समझ आपको ऐसे आएगा कि क्या बना है क्या नहीं बना है। अब अभी ये इसमें उतनी फिनिशिंग नहीं है, अब इसमें फिनिशिंग वाला क्या काम है, फिनिशिंग कैसे लाएं, अभी मैं वो सब आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो पूरी देखना, वीडियो में कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि सिंगल वीडियो में जब सीख जा रहे हो तो आपको इतना तो देखना ही पड़ेगा। अब जैसे ये था, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया था, इतना लाइट है नहीं रियलिटी में, ऐसे है थोड़ा, देख सकते हो ये था थोड़ा। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आई जब आप बनाओगे ना, तो आपका फेस का पूरा लुक आ जाएगा। अब नेक कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि एक तरफ से स्किन शेडिंग कर लेंगे ना, तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक में फिर हम यही डार्क कलर लेंगे, और जहाँ जहाँ डार्क है, देखो जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ मैं सबसे डार्क वाला कलर कर लिया। ये देखो, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने जो भी कर रहा हूँ वो है। अब इसके बाद इससे थोड़ा लाइट कलर लेंगे। अब ये लाइट कलर हो गया, इसके बाद ये हो गया लाइट कलर। अब इसके बाद
यहाँ भी देखो ये हल्का सा दिख रहा है हमको, आपको बहुत फोकस करके जब आप बनाओगे ना तो आपको खुद दिखने लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड पे जाएंगे, पर आपको एक चीज़ जो मैं बताया हूँ वो तो ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप कोई और फोटो बनाते हो तो इतना जान लो अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस गिरा तो आप नहीं बना पाओगे कभी। तो इसीलिए सबसे पहले यही फ़ोटो ट्राई करो जो मैं बनाया हूँ, अगर फिर भी उसके बाद भी आपसे नहीं बन रहा है ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप गलती जो करोगे ना यही करोगे कि आप बहुत पहली बार बनाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है पर टाइम लगता है वेक्टर आर्ट में, क्योंकि एक एक चीज़ ड्रॉ करनी होती है। तो आपको बस यही टाइम देना है, पहले वेक्टर में जितना टाइम दे पाओ उतना टाइम दो, क्योंकि एक वेक्टर आपसे बन गया ना जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर अपने आप चीज़ें आसान होती जाएंगी। देख सकते हो ये ऐसे हो गया, अब इसको हम लोग रब कर लेते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये हो गया। अब आप ये मत कहना मेरे से कि क्लोथ कलरिंग इसमें है ही नहीं और आप कह रहे हो क्लोथ कलरिंग क्यों सीख जाओगे, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग एक एक चीज़ सेलेक्ट कर करके कर रहे हैं ना वही चीज़ है क्लोथ कलरिंग में भी वही काम आता है, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। तो इसको कुछ ऐसा मत लेना कि इसमें क्लोथ कलरिंग है ही नहीं और आप ऐसा क्यों कह रहे हो ये चीज़, तो ऐसी बात नहीं, अगर आप ये ऐसे सेलेक्ट कर करके कर रहे हो तब भी आपसे बहुत चीज़ इम्प्रूव हो जाएगा। ये हुआ, आई थिंक लाइट कलर सबसे लेना पड़ेगा हमको, ये यहाँ से मैं अब ये जो मैं नेक से ही कलर उठा ले रहा हूँ या फेस से कलर उठा ले रहा हूँ, ये मैं सोचना कि मैं कलर पैड से क्यों नहीं उठा रहा, अगर आप बिगनर हो गए तो आप सोच सकते हो ऐसा। तो ऐसी बात नहीं यार, कलर तो सेम ही है, मैं चाहे वहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ, लेयर तो मुझे काउंटेड ही है कि कौन सी लेयर कर रहा हूँ कौन सी नहीं कर रहा हूँ। फिर यहीं से मैं लाइट कलर लेके ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा नेक हो गया, अब हमारा एक तरीके से देखो शेप में आने लगा थोड़ा थोड़ा जो हमारा वेक्टर है, इसको यहाँ से भी फिलअप कर लेंगे, जो हमारा वेक्टर है ये देखो शेप में आ गया है। ईयर करने के बाद हम लोग को आई जब हम लोग कर लेंगे तो ये हम लोग को और परफेक्टली दिखने लगेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी करके। तो जितनी भी इस ये लेयर है फेस की इसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं पहले ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यार क्या करना है कि ये हो गया, इसके बाद हमें अपना वेक्टर सेव कर लेना है, सेव कर लेना है ताकि आपका वेक्टर कभी बाय चांस कुछ भी या तो फ़ोन हैंग हो गया किसी वजह से बंद हो जाता है तो जाए ना। अब आपको क्या करना है, ईयर पे करना है। तो यार ईयर तो सबसे सिंपल होता है, डार्क कलर लिए जहाँ जो दिख रहा है वहाँ पे बस आप मार दो सिंपली, जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है, देखो मुझे जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है मैं कर दे रहा हूँ, मैं किसी कुछ सोच समझ नहीं रहा हूँ इसमें कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, बस आपको करते जाना है। ये हो गया, अब फेस में क्या होता है ना कि आपको हर चीज़ एग्जैक्ट करना होता है, फेस हो गया लिप्स हो गया आई हो गया, बट ईयर और बॉडी तो आपकी चेंज भी हो जाएगी तब भी आपका चेहरा थोड़ी ना बदलेगा, बट अगर आपके नोज़ हो गया या कुछ ऐसा चेंज कर दिया आप तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, तो उस चीज़ पे ध्यान देना आप कि वो चीज़ ना होने पाए आपसे। ईयर तो थोड़ा बहुत चेंज भी चलेगा तो काम बन जाएगा, उसमें उतना कुछ बेकार लगने वाली चीज़ नहीं है। तो ईयर हम लोग ऐसे रैंडमली ड्रॉ करेंगे, चाहे जिसकी ईयर ड्रॉ कर लो लगेगा सेम ही सबके में, पर कोशिश करो कि इसमें भी टाइम दो अच्छे से, अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल करो। पर यार एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे वेक्टर आर्ट में, आप वेक्टर आर्ट छोड़ो मत कि आपसे नहीं बन रहा है, आप इसी से स्टार्ट करो, बट इस पर पूरा डिपेंडेंट मत होना क्योंकि आपको प्रोफेशनली सीखना है, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आप हाँ कोई जॉब करते हो, अगर आपकी जॉब लग चुकी है या कुछ ऐसा चीज़ है आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेसमैन हो टाइम नहीं है और आप तब भी करना चाह रहे हो या फिर पैसे अर्न करना चाह रहे हो थोड़े बहुत, तो ये चीज़ कर सकते हो। पर अगर आप सीखना चाहते हो तो यार ये प्लीज़ मत ट्राई करना, कभी मत ट्राई करना, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ इस चीज़ में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वेक्टर आर्ट सीखने में इतनी लेट लग गई क्योंकि मैं सीख गया था अबाउट, फिर मुझको ये पता चला कहीं से, अब नाम नहीं बताऊँगा कि मुझे कहाँ से पता चला, मैंने यूट्यूब पर नहीं, मुझे किसी ने बताया था किसी वेक्टर आर्टिस्ट ने ही, फिर मैं इस पर स्टिक हो गया। तो मेरा मतलब एक होता ना इंटरेस्ट ही मैंने खो दिया था, मैं इसी को करता रहता था दिन भर कि भाई, और लोग जिनको नहीं पता था वो तो तारीफ़ करते थे कि भाई बहुत अच्छा है भाई बहुत अच्छा है, बट अंदर से खुद पता चलता है भाई कि अच्छा क्या है, हमने तो चीटिंग किया छाप के बनाया है, तो उतना मज़ा नहीं आता था। और कभी कभी जब कस्टमर आते थे ठीक है पैसे तो मिल जाते थे कभी कभी, पर कभी कभी आप उसे उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस पर स्टिक हो जाओ एकदम कि यही करो। देख सकते हो ईयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमको क्या करना है ये भी मर्ज कर लेना है। मैं मर्ज इसलिए कर लेता हूँ कि ज़्यादा लेयर हो जाती है ना तो फ़ोन कभी कभी हैंग होने लगता है, मेरा ये फ़ोन तो नहीं होता बट पुराना वाला जो मेरा था MI 3S Prime वो हो जाता था, तो इसलिए मैं सेव कर लेता हूँ। मैं कुछ भी ख़राब करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी 6-6 घंटे की मेहनत बेकार हो चुकी है।
अब देखो शर्ट में हमें कैसे कलर करना है, जहाँ पे जो कलर है वो वहाँ पे वो सेलेक्ट करके कर लेना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। यही मैंने बताया था, यही मैं हमेशा भी बताता हूँ, उसमें भी बताता हूँ आपको कि जहाँ जो कलर है वो बस सेलेक्ट करके बनाते जाओ। ये मत सोचो कि अच्छा बन रहा है कि बेकार बन रहा है। जब फाइनली वेक्टर आर्ट क्या है ना, जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि बेकार बन रहा है, आपका सही नहीं बन रहा, पर जब आप बन जाएगा पूरा और जब आप असली लेयर मतलब जो ओरिजिनल लेयर है उसको आप हाइड करोगे ना, तब इतना प्यारा वेक्टर लगेगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आपने बनाया कि किसी और ने बनाया। तो ये देख सकते हो, ये जो वीडियो है बहुत ही डिमांडेड वीडियो थी, सब लोग बहुत ही कहते थे भाई ट्रिक बनाओ ट्रिक बनाओ। अब भाई जिन्हें पता होगा कि ये पिक्से प्रो से ये होता है, उन लोग का तो एक्साइटमेंट चली गई होगी, पर एक्साइटमेंट गई नहीं होगी क्योंकि मेरे जो ग्रुप में हैं दो तीन लोग बना के लाए थे, एकदम थर्ड क्लास का वेक्टर लग रहा था, क्योंकि उन लोग ने डिसिप्लिन के साथ नहीं बनाया था, प्रॉपर चीज़ें यूज़ करके नहीं बनाई थी, उसमें टाइम नहीं दिया था, शेडो कहीं भी, क्योंकि देखो अगर पिक में शेडो है तो जब आप पोस्टराइज करोगे तो शेडो बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है वो शेडो को। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो आई के नीचे वाली स्पेस थी, जो आई के नीचे वाली चीज़ें थी, वो चीज़ मैंने एकदम सही से मतलब सिस्टमेटिक वे से कलर पैलेट से बैठा दी ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख सकते हो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो थोड़ी बहुत गैपिंग दिख रही है जैसे ये शर्ट के कॉलर के बीच में, तो ये कैसे फिलअप करें, आपको ब्लैक कलर लेना है और इसके एकदम नीचे लेयर पे जाना है और आपको ये पूरा ब्लैक कर देना है, जहाँ जहाँ भी होगा रिमूव हो जाएगा। तो ये वेक्टर हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमको आगे क्या करना है, अब हेयर कलरिंग करना है और आई कलरिंग करना है और बियर्ड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या कैसे क्या करेंगे। तो यार आप एक तरीके से कह सकते हो कि अब हम लोग को फिनिशिंग करना है, इसमें फिनिशिंग आएगी हमारी हेयर कलरिंग से और उससे आई कलरिंग से, क्योंकि अभी भी देखो वेक्टर उतना परफेक्टली नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है इसमें हुआ ही नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो सारी लेयर मैं मर्ज कर लूँगा एक ही में क्योंकि सब कुछ हो चुका है। सेव करना मत भूलना आप लोग, मुझे पता है बहुत लोग के ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है, वो मैं फिक्स कर रहा हूँ कोशिश करने, क्योंकि मेरे में होता नहीं ना तो मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि क्या है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ने जो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट किया उसको हाइड कर लेना है और उसके ऊपर आपको दो तीन लेयर ऐड कर लेनी है। अब हेयर कलरिंग कैसे करना है मैं इसका ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो आपको यहाँ भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो के लिए मतलब इसको समझने के लिए अलग अलग इधर उधर भागो। तो क्या करना है, आपको ग्रे कलर लेना है और जो आपकी ब्रश की ओपेसिटी है उसको अराउंड आपको 50% पे सेट कर देना है, 50 के अबाउट, मैं उसको देख के करूँगा। फिर इसके बाद जो ये ऑप्शन है कलर के लेफ्ट साइड में, उससे आपकी साइज़ ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली सॉरी ब्रश हमें टैपर्ड लेना है और सिंपली हमको ऐसे कर देना है, जैसे देख सकते हो कि थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो थिकनेस हमें कम करने के बाद ऐसे एक एक लाइन ड्रॉ करो, बस अच्छा लगे चाहे ख़राब करे जो बता रहा हूँ बस वो करो। उसके बाद अभी आखिरी में देखना वेक्टर कितना परफेक्ट आपसे बनने वाला है। ये हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको बस एक आइडिया मिल जाए। ये हो गया, यहाँ भी कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये हो गया हमारा, अभी हमारा रफ आइडिया हो गया, रफ आइडिया हम लोग को मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, अपनी लेयर कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अब आपको पता चल गया कि हेयर किस पैटर्न में जा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, वही टैपर्ड आपको लेना है। अब क्या करना है आपको कि इसी में आपको चढ़ाना है ऊपर ही, साइज़ ब्रश की हम लोग कम कर लेंगे। अब इसी के ऊपर आपको ऐसे चढ़ाना है ओपेसिटी कम करके, ज़्यादा कम मत करना लाइट हो जाएगा, बार बार चढ़ाना पड़ेगा, इससे अच्छा ज़्यादा रखो तो ज़्यादा सही है आपको। तो ऐसे पहले एक एक बार कर लो उसके ऊपर। मैंने ये हेयर कलरिंग का ट्यूटोरियल बना रखा है बेसिक्स के लिए, बट लोगों को चाहते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताऊं सिखाऊं। तो अब जो भी वीडियो आने वाली है सब एकदम अच्छी वीडियो आएंगी, अब उसमें कोई भी काम चलाओ वेक्टर मतलब कि काम चलाओ नहीं होते वेक्टर, वेक्टर वो बेसिक से मैं आपको चाहता हूँ सिखाना, बट आप बेसिक सीखना नहीं चाहते, आप सोचते हो कि एक ही बार में बहुत अच्छा वेक्टर बना लूं। जैसे मैंने आज वेक्टर एक अपलोड किया तो सब लोग कहते भाई इस पर ट्यूटोरियल लाओ, तो यार उस पर ट्यूटोरियल लाने के लिए आपको पहले बेसिक शेडिंग तो सीखनी पड़ेगी। तो हेयर कलरिंग हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और कुछ चीज़ें आपको और बतानी है कि यार मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ दो तीन लोगों से, तो उसमें ये रहेगा कि जैसे मैं इनफिनिट डिज़ाइन पे वेक्टर सिखाता हूँ तो वो लोग आपको फोटोशॉप पे भी सिखाएंगे, एडोब इलस्ट्रेटर पे भी सिखाएंगे, सब चीज़ में सिखाएंगे। तो मतलब एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका वही हो जाएगा, वेक्टर आर्ट का कोर्स हो जाएगा हर फील्ड में, कि आप मतलब हर
जगह की आप किस में बनाना चाह रहे हो, फोटोशॉप में, एडोब इलस्ट्रेटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, जिसमें भी आपका मन करे आप उस पर बना सको, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा अभी टाइम चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी वेक्टर आर्ट कोर्स बनाया है ना, वो मैं उतना देखो प्रोफेशनली वो लग नहीं रहा, और क्योंकि मैं उसमें पूरा बहुत ही डिटेल में नहीं, स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा वीडियो देखता नहीं था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देता था। बट अब ऐसा नहीं है यार, अब देखो किसी को देखना हो नहीं देखना हो मुझे मतलब नहीं है, वो अब मैं जो भी सिखाऊंगा एकदम अच्छे से सिखाऊंगा बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए, ताकि चाहे जितनी बड़ी वीडियो बने बस आप सीख जाओ। जैसे मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ बहुत, ये वीडियो आज इसलिए नहीं अपलोड हो पाई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वरना मैं कर देता। मैंने एक बना के रखा था वीडियो, तो मैं सोचा अब टाइम मिल ही गया तो इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, और चीज़ें सही कर देता हूँ, हेयर कलरिंग सब कुछ सही कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ सही बन रहा है, अच्छा बन रहा है, थोड़ा आप मोटिवेट हो। बस आप ये याद रखो कि जब भी आप इस जो मैं बताया हूँ इस फ़ोटो को आपको ट्राई करना है, सिर्फ आपको अलग चीज़ नहीं ट्राई करना। देखो अब हमारी हेयर कलरिंग हो गई है, बियर्ड में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, बियर्ड में भी आपको ऐसे करना है। तो कलर बहुत ज़्यादा हम लोग को थोड़ा डार्क ग्रे लेना है, वही काम करना है जैसे हमने हेयर पे किया था, और बियर्ड में कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है, बस सिंपली मार दो, पूरी ब्लैक छोड़ दे रहे हो आप ऐसे ही बिना कुछ किए, तब भी अच्छा ही लगेगा, बट इससे थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। और आपको जो भी टूल यूज़ करना हो, जो भी ब्रश यूज़ करना हो, आप यूज़ कर सकते हो जो जिससे आप कंफर्टेबल हो। टूल ब्रश अगर आप नए हो आपको नहीं पता, तो टूल ब्रश की वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, बेसिक टूल्स की कैसे क्या होता है इनफिनिटी डिज़ाइन का, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ये हम बियर्ड की भी हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, बस टाइम दो आप, टाइम से साथ वो मत करना कॉम्प्रोमाइज़ की टाइम नहीं देना, जल्दी से बन जाए कोई चीज़ जल्दी। अब भाई इतनी वेक्टर आर्ट सोचो एक वीडियो में आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, पैसे देखो मेन चीज़ बहुत लोगों का है कि पैसे अर्न करने उनको, तो यार पैसे अर्न करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे इससे अर्न होंगे मैं खुद कर चुका हूँ। नहीं विश्वास होगा तो मैं अभी आपको प्रूफ दिखा दूंगा आगे की वीडियोस में, जब मैं अर्निंग के वीडियो में बताऊंगा आपको तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा, मैं उन लोग की यूज़र नेम और आईडी सब कुछ बता दूंगा जिन लोग से मैंने स्टार्टिंग में पेड वर्क किया है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा सब कुछ एकदम प्रूफ के साथ, कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी शो ऑफ नहीं, ठीक है, सब कुछ एकदम जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा आपको। तो ये हमारा हो गया है, बियर्ड हो गया हमारा, इसको और अच्छे से मैं कर सकता हूँ जब इसमें और शेडिंग करके, बट अभी के लिए इतना काफ़ी लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिसमें ज़्यादा टाइम दूंगा वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, कर देता हूँ, चलो क्या दिक्कत है। ये हो रहा है, तो यार जैसे कि आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को, 1K आपने इतनी जल्दी करा दिया 1 मंथ में, मेरे इंस्टाग्राम की रीच भी बहुत ज़्यादा, अराउंड 6000, अब 1500 फॉलोअर्स में 6000 रीच बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ही है आज तक की अभी तक। तो बहुत खुश हूँ यार, आप लोग बहुत अच्छा ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो और वीडियो आपको एक नंबर मिलेगी। और ये मत सोचना कि सिर्फ वेक्टर आर्ट पे मिलेगी, अगर आप और भी सीखना चाहोगे DM करोगे, जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बहुत चीज़ करता हूँ मोबाइल से, मेरी सारी एडिटिंग मोबाइल से, मोबाइल एडिटिंग भी करता था, पर मोबाइल एडिटिंग क्या है कि सभी कर लेते हैं, नॉर्मल मोबाइल एडिटिंग सभी कर लेते हैं, उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है, और अगर वो सीखना चाहोगे आप तो देख के भी सीख सकते हो। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा चीज़ सोचा था कि अपने में लाऊंगा जो मोबाइल से होता है बट लोग उसे नहीं कर पाते, जैसे काइन मास्टर से मैं जो इंट्रो बनाता हूँ बहुत लोग को नहीं आता, तो लोग कहते हैं भाई बनाओ बनाओ, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर पहले एक चीज़ मैं थोड़ा कर लूँ आगे, बार बार मतलब कि एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करूँ, अभी अलग अलग चीज़ करूँगा तो मिक्सअप हो जाएंगे। मेरे चैनल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है कि इतने ज़्यादा कंटेंट मैंने डाल दिए ना, तो लोगों को समझ नहीं आता कब कौन सी वीडियो कैसे देखना है, क्योंकि उसके टॉपिक्स मैंने ऐसे डाले हैं कि वो सर्च करने पे सबसे ऊपर आए, ठीक है, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि जो भी चीज़ जो अभी नया कोर्सेज आने वाले हैं वो एकदम अच्छे से बताऊंगा, बट फिर उस कोर्स के बाद और कुछ नहीं आएगा, आप जो भी पूछना है आप मेरे पास पर्सनल पूछ लो, अगर मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ भाई ये बंदे का डाउट है जो उसने क्वेश्चन पूछा है बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि ये हो सकता है बहुत लोग का डाउट, तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, वरना वेक्टर आर्ट क्या होगा कि आप सबका एक प्रोफेशनल अच्छा सा कोर्स फ्री कोर्स बना के रख देंगे। और उसके बाद एक वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बैकग्राउंड चाहिए वेक्टर आर्ट का, वेक्टर आर्ट की प्रैक्टिस इमेजेस चाहिए, प्रैक्टिस इमेजेस मतलब कि उसमें लाइन आर्ट होके रखा रहेगा, सब कुछ होके रखा रहेगा, बस आपको उसमें कलर फिलअप करना है, और उसमें ये भी बना रहेगा कि कहाँ पे कौन सा कलर करना है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मतलब मुझसे जो हो पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे वेक्टर आर्ट बनाना आता है तो मैं ये चाहूँगा कि आप ना बना पाओ, क्योंकि जो मेरे उसमें मेरे ग्रुप में है उनके मेरे से किसी किसी के मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है,
आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं, सब लोग साथ में बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे निकल ही जाएगा। ट्रॉल करने वाले तो भाई बहुत ही हैं ग्रुप में, पता नहीं, पर काफ़ी लोग मेरे ग्रुप में सीख चुके हैं वेक्टर आर्ट। आप एक हम लोग का ग्रुप भी है इंस्टाग्राम पे, एक हम लोग का पेज भी है हम लोग के सिलेक्सिव फैमिली का, तो आप वहाँ पे भी जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हो जो मेरे से वेक्टर आर्ट सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नहीं, फ्रेंड्स से बोलूँगा, तो उन लोगों के वेक्टर आर्ट वहाँ जाके देख सकते हो। तो बेसिक आई कलरिंग है, आप कोई और भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको आती है वेक्टर आर्ट सीख रहे हो। तो ये हमारा वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जब हम इस पर बैकग्राउंड ऐड करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, देख सकते हो आप, जैसे कि ये और अच्छा हो जाएगा। और अगर आप इसमें ग्रेडियंट डाल दो तब तो बात ही अलग है, जैसे कि मैं आपको कुछ करके दिखा ही देता हूँ ग्रेडियंट वाला भी। अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका वेक्टर कम्प्लीट हो चुका है, आपको बैकग्राउंड ऐड करना है। अब मैं आपको ग्रेडियंट दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करते हो तो क्या क्या कर सकते हो। ये उनके लिए यार जो प्रोफेशनली सीख रहे हैं, क्योंकि जो अभी नए नए हैं आप लोग को ग्रेडियंट नहीं समझ आएगा, सो यू कैन लीव नाउ। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ग्रेडियंट वाली वीडियोस भी आएंगी ही। तो मैं पहले ग्रेडियंट डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, एक मिनट इसको घुमा देते हैं। ग्रेडियंट मतलब दो कलर हैं, उसको आपका शेड लाना है, तो ग्रेडियंट यूज आता है उसमें। तो यहाँ पे हम लोग ये कलर सेलेक्ट कर लिए, अब इसको डुअल टोन में ले आते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट, क्योंकि ग्रेडियंट जब भी मैं यूज़ करता हूँ ना, तो मैं पेन टूल से यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये देखो हमारा ग्रेडियंट हो गया एक लेयर पे, फिर दूसरे लेयर पे मतलब ये हुआ। तो ऐसे हमें कर लेना है, हर चीज़ में ग्रेडियंट हर जगह कर लेना है। तो जैसे मैंने पेन टूल नहीं यूज़ किया ना, तो ये जो इसका जो कट्स हैं वो अलग अलग जगह लगे हैं, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे फिर से करना पड़ता अगर करता तो। ग्रेडियंट पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको जो भी डाउट है उसको मैं मेंशन करूँ, क्योंकि अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ जल्दी ही, तो आपको समझ आ जाएगा। तो देख सकते हो ग्रेडियंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्रेडियंट से ये और अच्छी हो जाएगी। बट जिसे भी वेक्टर आर्ट आता है, मैं उसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना वेक्टर आर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के इस पर मत आओ, क्योंकि अगर आप अपनी वेक्टर आर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के इस पर आ जाओगे तो आप अपनी स्किल्स खोने लगोगे, आप इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाओ। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक देना, मेहनत लगी काफ़ी इस वीडियो को बनाने में। सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, वहाँ बहुत ही अच्छे वेक्टर आर्ट में अपलोड करता हूँ, और आप मेरा काम देख सकते हो कि मैं किस हिसाब से वेक्टर आर्ट बनाता हूँ, कि आपको मेरी वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है, मैं उतना प्रोफेशनल हूँ कि नहीं हूँ। हेलो, सरप्राइज योर लव।